प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बहुत ही धूमधाम से पुण्यतिथि मनाई गई। जगह जगह कांग्रेस द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष जय किशन ने मरीज और उनके तीमारदारों को कपड़े और हॉस्पिटल में गरीब लोगों को फल बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि हर साल उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग गरीबों को कपड़े और फल बांटते हैं। इनके जन्म दिवस पर भी कांग्रेस द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में कांग्रेस भविष्य में एक दौड़ का भी आयोजन करेगी। हमने अंधे कोढ़ी लोगों को भोजन वितरित किया है, उनको राशन दिया है, क्योंकि आज राजीव गांधी की बरसी है। इंदिरा गांधी राजीव गांधी को देश नहीं भूल सकता, कांग्रेस के इतिहास को नहीं भूल सकता, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बलिदान को नहीं भूल सकता। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी। हम कांग्रेस के लोग 5-7 असेंबली के लोगों ने यहाँ हर साल हम आयोजन करते हैं, भगवान महावीर में, संजय गांधी हॉस्पिटल में, वाल्मीकि हॉस्पिटल में, जगजीवन राम हॉस्पिटल में, अग्रसेन हॉस्पिटल में, दीनदयाल हॉस्पिटल में हमारे लोग फल वितरित करने के लिए गए हुए। राजीव जी की बरसी के कारण हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमें गरीबों के साथ दिए हैं। अभी राजीव गांधी जी के प्रिय में इन्होंने शॉल, सूट, साड़ी, फल, हर एक चीज गरीबों के दान दिए हैं। अंधे हो, लुगड़े हो, इनको पब्लिक एक से समझते हैं। गरीब पैसे वाला ये सब न समझते, एकदम बराबर को समझते हैं, है ना। हर एक समय गरीबों के साथ देते हैं। अभी कुछ भी, जब भी, जब बुलाओ, जब भागे भागे आ जाते हैं, गरीबों के पूरा सहयोग करते हैं। हम शांति है, इसलिए यहाँ पर संजय गांधी, मैं संजय गांधी में दवाई लेने आए थे हम। फिर यहाँ पर जय किशन जी ने अच्छे फल, साड़ियाँ, सूट बांटी है और हम लोगों को भी मिला है। सबको, बच्चों को, गरीबों को, सबको दिया है, विकलांगों को दिया है। बच्चा वार्ड में भी इन लोगों ने बहुत कुछ बांटा है। बांटा इन्हें, राजीव गांधी जी खत्म हो गए थे, उनकी खुशी से दुख में बांटा है।